लेकिन रवि तो मुझसे प्यार करता है, फिर देविका के हाथ पर मेहंदी कैसे लग सकती? मेहंदी तो मेरे हाथ पर लगनी चाहिए और रचनी भी चाहिए। देविका के हाथ में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ेगा, इनफैक्ट उसके हाथों पर तो रंग चढ़ना ही नहीं चाहिए। बेवकूफ लोग और इनके स्टूपिड विश्वास, लेकिन ये जो कुछ भी मानते हैं उसको सच तो करके दिखाना पड़ेगा, वो भी निवेदिता लूथरा के स्टाइल में। ये दो क्यों देविका के लिए और साक्षी के लिए अलग रख देती हूँ। क्या हो गया पल्लव तुझे? घर में मेहमान आना शुरू हो गया तो यहाँ खींच के ले आई? बोले कि भाई थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी चहक रही थी। पता नहीं माँ को ये दादी वाली बात कहना ठीक भी होगा कि नहीं। बताएगी कि नहीं आज? माँ मैंने दादी को शगन वाली मेहंदी में कुछ मिलाते हुए देखा है। क्या मिलाते हुए देखा? पता नहीं कुछ डिब्बे में था, और इससे पहले कि मैं देखती कि डिब्बे में क्या था आपने मुझे बुला लिया। हाय रब्बा, ऐसे कौन सी चीज मुझे उस मेहंदी में मिला रही थी? मेहंदी का खून तो मैं ले आई हूं, बट इसका करूं क्या? ऐसा क्या मिलाऊं इसमें कि देविका की मेहंदी ही ना रचे? चेक कर लेती हूँ। ये जब देविका के हाथों में लगेगी थोड़ी इचिंग होगी, और फिर उसे फौरन आकर अपनी मेहंदी धोनी पड़ेगी, और मेरा काम हो जाएगा। सॉरी देविका, लेकिन ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये जगह सही है, एक काम करता हूँ यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। अगर देविका से बचना है तो यहाँ पर छुप कर थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं होता। वैसे भी तेरी वाइफ की आंखें ना किसी रामपुरी छुरी से कम नहीं है, अपनी आंखों से रामपुरी छुरी चलाएगी और यहाँ पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी, और साथ में आवाज भी निकलेगी कच 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 कच। मजाक मस्ती समझती नहीं है, जब देखो कच 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 कच। कहाँ रखा होगा? चाची से पूछने ही भूल गई, कोई बात नहीं ढूंढ लेती। ये तो यहाँ पर भी आ गई। ये तो इतना ऊपर रखा है, इसको लूं कैसे? सोफा ही किसका ना पड़ा, सोफा इतना भारी कैसे हो गया? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?
रवि, मैं इतनी देर से इसके ऊपर चढ़कर, रवि 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 प्लीज उठो, भगवान ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, रवि ये बेहोश तो नहीं हो गया? लाइट किसने ऑन कर दी यार? लाइट? इतने आराम से मैं सो रहा था, सोने भी नहीं देते लोग। तुम यहाँ पर भी आ गई? हाँ? इतने आराम से मैं सो रहा था यहाँ पर, चैन की नींद सो रहा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरा चैन तो उसी दिन खत्म होगा जिस दिन शादी की तुमसे मैंने। तुम सो रहे थे? हाँ सो रहा था। तुम सच में सो रहे थे? नहीं नहीं, मैं दिल्ली गया हुआ था चाइना के प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने। आज दिन भर का मेरा ये तो काम था, वेलकम करना। चाची ने दिया था, भूल गई तुम? आइए आइए, मेहंदी शुरू होने वाली है, बैठिए बैठिए, परोसिए। अरे अरे अरे, आगे हो जाइए, डांस करिए, ये करिए वो करिए, यही तो काम था मेरा आज। मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? तुमने मुझसे आई लव यू बोला था? पागल कहीं के, मैं और तुमसे वो एक्चुअली जब तुम यहाँ सो रहे थे, मेरा मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ सो रहे हो? ये सारे गद्दे, इनके ऊपर चढ़ के मैं वो गिफ्ट, चाची ने कहा था ना गिफ्ट लेने के लिए, तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ गई थी वो गिफ्ट निकालने के लिए, इसीलिए। तुम मुझे गद्दा समझकर मेरे ऊपर चढ़ गई? मुझे पता नहीं था, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ? तुम्हें दर्द नहीं हुआ जरा भी? दर्द एक्चुअली क्या है कि मेरे ऑलरेडी इतना दर्द था, फिर तुम्हारा दिया हुआ दर्द दोनों बैलेंस हो गए, यू नो। और वैसे भी तुम्हारा वेट तो इतना हैवी नहीं है, यू नो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगा तुम्हें कुछ होना गया, मेरा पेट इतना कम भी नहीं है। नहीं बल्कि अच्छा वो क्या है कहां? वो देखो रवि, रवि रवि रवि, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? अरे चेक कर रहा था, और वैसे भी तुम्हारा वेटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं ना, तुम्हें मैं घर चलकर देख लूंगी, अच्छे से बता। क्यों, तुम्हें तन्हाई पसंद है? यहाँ पर भी तो देखो हम दोनों तन्हा। उसकी हिम्मत कैसे हुई रवि के इतने करीब जाने की? आप जी? नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। नमस्ते जी आयानु जी, और क्या हाल चाल है पुत्र जी? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप? बस बहुत बढ़िया। बैठो बैठो जी। ये मेहंदी का कोन मैं वापस कैसे रखूं? फो, अब ये दादी मुझे क्यों देख रही है? एक्सक्यूज मी, मैं वो मेहंदी का कोन देख सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। काम तो हो गया,
एक दूसरे के इतने करीब क्यों थे? ऐसा क्या कर रहे थे दोनों? मैं चाची चाची को एक गिफ्ट देकर आती हूँ। हिंदी तो मेरे सामने पड़ी है, लेकिन इसको खराब करने वास्ते क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा। खाम खा सके तुझे कोई इतना भला बुरा सुना दे। अगर वो होते तो कुछ ना कुछ जरूर करते। करने के तो मैं भी कुछ ना कुछ कर लूं, लेकिन बुरी फंस जाऊंगी ना भाई, क्या करूं। है खड़ूस से इतनी बैठी हुई है, कहीं और बैठ जाती हूँ। हैं, ये मेहंदी को क्यों घूरे जा रही है? वो कहीं कुछ गड़बड़ करने का इरादा तो नहीं है इसका? ओ समधन जी, ओ जी क्या हुआ जी, अपने पुराने दिन याद आ गए? अपनी मेहंदी याद आ गई आपको? ओ नहीं जी नहीं, ओ मैं तो आपके बारे में सोच रही हूँ कि तेरी मेहंदी पे तेरा कितना बुरा हाल हुआ होगा। नहीं, दोनों हाथों के रंग काले पड़ गए होंगे। हाय हाय, मन की कालक जो उत्तर आई होगी मेहंदी में। ओ जी ये तो बात आपने सही कही, पर जी एक बात आपने गलत बताई। ओ जी वो काला रंग था ना जी, वो मेरा नहीं था, वो किसी की बुरी नजर लग गई थी। आपको पता है ना, खुशी में बुरी नजर लगाने वाले आ जाते हैं। ओ जी मैं तो बड़ी भली चंगी हूँ, आप चाहो तो देविका से पूछ लो। ओ जी बेटी की तरह रखा है मैंने उसको, आपकी पोती होने के बावजूद। तेरी ये नटंकी ना मेरे सामने नहीं चलने वाली। ये जो बेटी बेटी का प्यार मोहब्बत छलकाती है ना तुम देविका पे, और मुझे सब पता है क्यों। तू तो वो जमीन हड़पना चाहती है जो देविका के नाम पे है, हैं? बड़ी चलाको रानी बनती है। ओ रहने रहने रहने, और तू सकेत से क्यों शादी करी थी उसकी? उसके होते और पैसे की खातिर ना हारी बड़ी बनती है अपने आप को। ओ जी मैं जरा आती हूँ, और ध्यान रखना मेहंदी में कोई गड़बड़ ना हो जाए, है जी। विजय बार बार मेहंदी को इतनी गौर से क्यों देख रही है? क्या सच में विजय ने इस मेहंदी में कुछ मिलावट कर दी है? पर ऐसा विजय क्यों करेंगे? शायद इसलिए कि शुरू में वो साक्षी के इस शादी के खिलाफ थी, या फिर अब हैं और इसीलिए मेहंदी की रस्म में कुछ गड़बड़ करना चाहती हैं। सुनो, इन कोनों में से साक्षी को लगाने वाला कौन सा मेहंदी का कोन है? यही है ना पक्का? ये मेहंदी तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, तो फिर पल्लवी ने विजय को लेकर ऐसे बात क्यों कह दी? हो सकता है कि उसे उसे कोई गलतफहमी हो गई। सुन, वो मेहंदी का मुहूर्त हो गया, साक्षी को बुला के ला। हाँ मैं अभी बुला कर लाती हूँ, चल पल्लवी। रवि के इतने करीब जाने की बहुत बड़ी गलती की तुमने देविका, और इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। बस थोड़ी देर और, मेहंदी लगते ही तुम उसे धोने के लिए भागोगी और ये शगुन बगुन अपशगुन बन जाएगा।
सबके सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, लाइक अ टाइट स्लैप ऑन योर फेस। तुम इसी के लायक हो। हाउ डेयर यू टच माय रवि। वैसे इसमें गलती मेरी भी है। रवि तो प्रपोजल लेकर आया था मेरे पास, लेकिन मेरा ही ईगो इतना बड़ा था कि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए शायद मेरे हाथ से फिसल गया और देविका की तरफ खींचा जा रहा है। ऑब्वियसली इतना वक्त जो बिताते हैं दोनों एक साथ। नहीं निवि, अब तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि रवि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताए, और ये जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनमें भी तुम्हें यही कोशिश करनी होगी कि इन दोनों को एक दूसरे से जितना अलग रख सको उतना अच्छा। साक्षी हो गए तैयार? बहुत सुंदर लग रही है। तुझे याद है बचपन में तू इस मेहंदी वाले फंक्शन से हमेशा भागती रहती थी, कहती थी मुझे मेहंदी लगाना पसंद नहीं है। और मैं तुझसे कहती थी कि हर लड़की की लाइफ में एक दिन वो जरूर आता है जब उसे किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथ पे रचानी होती है। चल तेरा वो दिन आ जा गया, और आज तो तू भाग भी नहीं सकती। तुम्हारी भी ये कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इससे अगर भागना होता तो ये पहले ही भाग जाती। ओए सवित्री, अब तू भी गा, तेरी बारी है। गा। ओ सुनाई नहीं दे रहा कुछ। ओ सुनो 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 सुनो, एनी ना धीरे आवाज में मत गा, ओ जोर से गा। तू ऐसे समझ ले तू किसी से लड़ाई लड़ रही है, फिर देख आवाज कैसी ऊंची हो जा रही है। चल चल शुरू हो जा। कानों में ना तेल डाल ले, अपने आप ठीक सुनना शुरू हो जाएगा। चल जा। मेहंदी 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 गिद्दे विच नच दी, गिद्दे विच नच दी। ओ जी साक्षी आ गई जी, हाय किन्नी सोनी लग रही है। चलो चलो, अगर सारी तैयारी हो गई है तो फिर मेहंदी की रस्म भी शुरू कर देते हैं। पहले साक्षी के हाथ में मेहंदी लगाते हैं और फिर मेरे लाडू के हाथ में। आई शुरू कर। अरे आप रुक क्यों गए, बजाइए ना। को इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्होंने लाडो के मेहंदी में तो कुछ नहीं मिला दिया ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे पहले से ही साक्षी की तरह लाडो की मेहंदी भी चेक कर लेनी चाहिए थी। लो जी, साक्षी की मेहंदी लगनी शुरू हो गई है, तो बाकी सब जनानियां भी लगा लो। देव का पुत्र चल आ जा बेटा, बैठ जा। जी आंटी जी। ओ पुत्र तू रह जाना, मेहंदी लगवाने क्या करे। आ रहे थे पता नहीं इस मेहंदी में कुछ और है भी या नहीं, लेकिन मैं अपने लाडो के लिए ये खतरा मोल नहीं ले सकती।